हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ मेरे इस नए वीडियो में और हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जितने भी हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं या जो लोग हमारे चैनल के रेगुलर वीडियोस देखते हैं, उसमें से काफ़ी सारे लोग पिछले कुछ दिनों से मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे कि मैं इस चैनल के ऊपर मसाज थेरेपी के और वीडियोज़ प्रमोट करूँ। ये रिक्वेस्ट इसलिए कर रहे क्योंकि इससे पहले मैंने सेल्फ मसाज थेरेपी के कुछ वीडियोज़ प्रमोट किए थे, कुछ वीडियोज़ अपलोड किए थे जिसमें हमने देखा था कि नी पेन में आपको मसाज कैसे करना है, एल्बो पेन में मसाज कैसे करना है, एंकल पेन हो या आपका रिस्ट पेन हो तो ये सारे पेन कम करने के लिए आपको मसाज कैसे करना है, इसके कुछ वीडियोस मैंने डाले थे। काफ़ी सारे लोगों ने वीडियोस देखे, वो मसाज थेरेपी घर पे अप्लाई की और उनको बहुत अच्छे से रिजल्ट्स मिल रहे, इसलिए लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं मसाज के और वीडियोज़ प्रमोट करूँ। तो गाइज, उन सारे लोगों के लिए हम आज से हमारा सेट मसाज थेरेपी का नया सीरीज शुरू करने जा रहे और उस सीरीज का आज का हमारा फर्स्ट वीडियो है। तो गाइज, आज इस वीडियो में हम देखने वाले कि जिन लोगों को अपर बैक पेन होता है, स्पेसिफिक इस वाले एरिया पे पेन होता है, ये जिन लोगों को नेक के नीचे वाले एरिया पे पेन होता है या लोग कंप्लेंट करते हैं कि उनके जो शोल्डर ब्लेड होते हैं उसके अराउंड पेन होता है, सुबह उठने के बाद बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है, टाइटनेस होता है, तो ये सारा पेन कम करने के लिए हमें मसाज कैसे करना है आज इस वीडियो में डिटेल में देखने वाले। तो गाइज, जितने भी इससे पहले मैंने वीडियो डाले थे नी पेन के थे, एंकल पेन के थे, वो सारे सेल्फ मसाज के थे, वो मसाज थेरेपी आप खुद कर सकते हो। बट इसके बाद जो मैं वीडियोस डालूंगा मसाज के, उसके लिए आपको किसी और की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप सोचिए आपको अपर बैक पेन के लिए मसाज करना है तो उसको आप खुद नहीं कर सकते। इसलिए आप क्या करो, आपके घर में जो भी लोग अवेलेबल है उनको ये वीडियो दिखाओ, इसमें मैं बहुत सिंपल तरीके से इजी स्टेप्स दिखाऊंगा ताकि आपका जो भी ये वाला एरिया का पेन है वो मसाज थेरेपी से कम हो जाएगा। उनको बस आप ये वीडियो दिखाओ और उनको बोलो कि इस वीडियो में जैसे मैं बता रहा हूँ उसको वैसे उसी तरीके से फॉलो करें। तो गाइज, मैं बहुत सिंपल वे में दिखाऊंगा कि कैसे मसाज के स्ट्रोक हमें लेने हैं, किस वे में हमें लेटना है और ऑयल कैसे अप्लाई करना है, सब कुछ बहुत डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो गाइस, आज के वीडियो में देखते हैं कि जिन लोगों को अपर बैक पेन हो रहा है, जिन लोगों को शोल्डर ब्लेड के बीच में पेन हो रहा है, वो पेन कम करने के लिए हमें मसाज थेरेपी कैसे करनी, तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, आज के वीडियो में हम ये देखने वाले कि जिन लोगों को अपर बैक में पेन होता है, स्पेशली जिनको जो स्कैपुला होते हैं, स्कैपुला के इस वाली रैप लोगों को पेन होता है, काफ़ी लोग हमसे कंप्लेंट करते हैं कि सर स्कैपुला के साइड में पेन होता है उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो ऑलरेडी उसके लिए जो भी एक्सरसाइजेस की वीडियो हमने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि मसाज की हेल्प से, डीप टिश्यू मसाज थेरेपी की हेल्प से कैसे हम यहाँ का पेन कम कर सकते हैं। तो गाइस, जैसे मैंने बोला कि इस मसाज के लिए आपको किसी और की जरूरत पड़ेगी, ये मसाज हम सेल्फ नहीं कर सकते। आज तक के सारे वीडियो हमने सेल्फ मसाज के देखे, बट ये वीडियो के लिए या ये मसाज करने के लिए आपको किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो जिन लोगों को इस वाले एरिया पे पेन होता है, अभी अगर आप देखेंगे ये जो स्कैपुला होता है, स्कैपुला की इस वाले एरिया पे पेन होता है, या लोगों को काफ़ी बार इस वाले एरिया पे पेन होता है, जो अपना स्पाइन होता है, स्पाइन के जो साइड वाला एरिया होता है यहाँ पे पेन होता है, काफ़ी बार वो पेन यहाँ पे शिफ्ट होता है, यहाँ पे शिफ्ट होता है। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि जिन लोगों को स्कैपुला के इस वाले एरिया पे पेन होता है, स्पेशली नेक के इस वाले एरिया पे पेन होता है, ये सारा पेन कम करने के लिए हमें मसाज कैसे करना है। तो सबसे पहले जिन लोगों को प्रॉब्लम है, जिनको मसाज का मसाज जिनको लेना है, पेशेंट को सबसे पहले आप इस तरीके से लेटा दो, जो उनका बैक होता है वो ऊपर की तरफ आना चाहिए और उनका जो सर का पोजिशन होता है वो एकदम सीधा होना चाहिए। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऑयल को हाथ पे लेके थोड़ा सा रब करेंगे और उसको पूरे बैक के ऊपर या जहाँ जहाँ हमें मसाज करना है वहाँ पे ऐसे अप्लाई करके लेंगे। तो गाइस, इस वीडियो को अच्छे से देखिए, बार बार देखिए, जो भी स्ट्रोक जो भी तरीका मैं बताने वाला हूँ उसको सेम फॉलो कीजिए और देखिए मसाज के बाद आपको कितना यहाँ पे पेन जो होता है उसमें रिलीफ मिलेगा। तो सारी एरिया पे मैंने ऑयल अप्लाई कर लिया है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, आपने फोर फिंगर जो होते हैं उसकी हेल्प से आपको धीरे से ऐसे यहाँ पे सर से लेके आपके लोअर बैक की तरफ ऐसे नीचे की तरफ ऐसे स्ट्रोक लेना है, ठीक है। अब ये जो स्ट्रोक हम ले रहे हैं फर्स्ट वाला, इसमें एक चीज का ख्याल रखिए कि जो अपना स्पाइन होता है, स्पाइन के ऊपर आपको बिल्कुल प्रेशर नहीं देना, स्पाइन के साइड में जो मसल्स होते हैं, ये जो एरिया होता है उस साइड पे आपको ऐसे प्रेशर अप्लाई करना है। अब गाइस, जो डीप टिश्यू मसाज होता है उसमें प्रेशर थोड़ा ज्यादा होता है, तो जैसे पेशेंट को कंफर्टेबल रहेगा उस हिसाब से आप प्रेशर एडजस्ट कर लीजिए। तो मैं पूरा ट्रेपेजियस से लेके यहां से लेके पूरा इस तरफ ये पूरे साइड में ऐसे स्ट्रोक ले रहा हूं। अभी हमें दोनों तरफ करना है। अगर आपको एक ही साइड पेन होता है, लोग बोलते हैं कि राइट साइड में पेन हो रहा है या कुछ लोग बोलते हैं लेफ्ट में हो रहा है, चाहे किसी भी साइड में पेन हो, ये मसाज आपको दोनों साइड से अप्लाई करनी। अब कुछ लोगों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, उनको अगर थोड़ा भी हम प्रेशर देते हैं ना तो उनकी स्किन ऐसे रेड बन जाती है, बट एक दो तीन दिन बाद ये सब रेडनेस होता है वो सब निकल जाता है।
तो इसमें डरने की कोई बात नहीं गाइस। ये रेडनेस इसलिए आता है ताकि जब भी हम इसमें मसाज करते हैं तो वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और काफी ओवर पे वो स्किन जो होती है वो रेड हो जाती है। अब मैं दूसरी साइड से इसको ऐसे रिलीज करके ले रहा हूँ। तो ये है हमारा फर्स्ट स्ट्रोक। फोर फिंगर की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, ऐसे ऊपर से लेके नीचे की तरफ इसको प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। अब अपर बैक पेन होने में जो हम मसल्स देखेंगे तो उसमें काफी बार हमारे ट्रेपेजियस जो होता है उसके मिडल फाइबर्स या उसके लोअर फाइबर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। काफी बार हमारे रोम्बॉइड्स मेजर माइनर मसल भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये मसल का टाइटनेस अगर हो गया तो इसकी वजह से काफी बार हमें इस वाले एरिया पे पेन होता है। अब जैसे ये दोनों स्ट्रोक हो गए तो आपको हल्के से ऐसे प्रेशर अप्लाई करके लेना है, ठीक है। अब हमने क्या किया, ऊपर से नीचे की तरफ स्ट्रोक लिया। अब हम क्या करेंगे, थंब की हेल्प से नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। आप चाहे दोनों थंब यूज करो, एक थंब यूज करो, जैसे आपको कंफर्टेबल रहेगा वैसे आप इसको यूज करो। अब अगेन इसमें प्रेशर जो होता है वो जैसे क्लाइंट या जैसे एक पेशेंट को मैनेज होगा उस हिसाब से आपको अप्लाई करना है। अब मैं दोनों तरफ एक साथ मसाज कर रहा हूं। तो आज की वीडियो में स्पेशल ये देखेंगे कि जिन लोगों को अपर बैक पेन होता है उसके लिए मसाज कैसे करना है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, क्योंकि इसके बाद अभी सारी सीरीज आने वाली मसाज की, जिसमें हम लोअर बैक का भी देखेंगे, शोल्डर का देखेंगे, नेक का देखेंगे, मसाज कैसे करना है, ताकि बस आपको वीडियो देख के अच्छे से आइडिया आ जाएगा कि मसाज कैसे करना है। तो ये था हमारा दूसरा स्ट्रोक जिसमें हमने थंब की हेल्प से नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे जो हमारे टाइट मसल्स होते हैं उसको रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब गाइस जिन लोगों के यहाँ पे पेन होता है उनको ये मसाज तो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, बट उसके साथ साथ अगर आप लोग एक काम करो, सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले हमेशा इस वाले एरिया को जहाँ जहाँ आपको पेन होता है वहां से गर्म पानी की सिकाई करनी है। जैसे आप उसको गर्म पानी से सिकाई करते हो वैसे वहां का टाइटनेस और भी कम हो जाएगा और पेन कम होने में बहुत ज्यादा हेल्प होगी। यस, तो सबसे पहले हमने फोर फिंगर से या ऊपर से नीचे की तरफ स्ट्रोक लिया, दूसरा स्ट्रोक हमने थंब की हेल्प से नीचे से ऊपर की तरफ लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब स्पेशली जिन लोगों को स्कैपुला के नीचे वाले एरिया पे पेन होता है उन लोगों का हाथ आपको ऐसे ऊपर यहाँ पे रख देना है, ठीक है। अब जैसे आप हाथ को ऊपर लेते हो ना गाइस, तो आपका स्कैपुला उठ जाता है हल्का सा। अब आपको क्या करना है, थंब की हेल्प से इस वाले एरिया में स्कैपुला के धीरे से नीचे की तरफ ऐसे मसाज करना है। फिर इस डायरेक्शन में स्ट्रोक लेना है, जो हमारे रोम्बॉइड्स मेजर और माइनर होते हैं अगर वो टाइट है तो उसकी वजह से यहाँ पे पेन होता है। तो इस डायरेक्शन में स्कैपुला की इस वाले एज से लेके अपने स्पाइन की तरफ हल्के से थंब से प्रेशर अप्लाई करना है। अब गाइज मैं एक साइड से दिखा रहा हूँ आपको, दोनों तरफ से करना है या जिस तरफ से आपको बहुत ज्यादा पेन है उस तरफ से आपको करना है, बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप दोनों तरफ से इसको फॉलो कीजिए ताकि आगे जाके दूसरी साइड पेन ना करें। तो हमने तीन स्ट्रोक देखे गाइस। अब ये जो हमने देखा था ये था तीसरा स्ट्रोक जिसमें हमने क्या किया, हाथ को ऊपर रखे स्कैपुला के नीचे जाने की कोशिश की और वहां से जो हमें रोम्बर्स मेजर माइनर थे उनको रिलीज करने की ऐसी कोशिश की। अब हमारा लास्ट फोर्थ स्ट्रोक देखेंगे। अब ये जो लास्ट वाला स्ट्रोक होता है ये थोड़ा सा डीप होता है, इसमें थोड़ा प्रेशर ज्यादा होता है, ठीक है। अब ये स्ट्रोक करने के लिए आपको क्या करना है, एल्बो का सहारा लेना पड़ेगा। आप एल्बो को थोड़ा ऑयल लगा के लीजिए,
अब आप ध्यान से देखिए, एल्बो की यहाँ पे रख के ये वाला जो पोर्शन होता है एल्बो का, ये नीचे वाला, यहां से सीधे हाथ से ऐसे स्ट्रोक ले रहा हूं। सबसे पहले तो मैं नीचे से ऊपर की तरफ जाऊंगा, मैं दोनों साइड से करा के ले रहा हूं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे। फिर से हम इसको हाथ को थोड़ा ऊपर रखेंगे, फिर से एल्बो से नीचे से ऊपर की तरफ। तो गाइस अभी आप ये देख रहे हो यहाँ पे पूरा रेड हो चुका है, बट ये जो रेड मार्क्स होते हैं ये 2-3 दिन में चले जाते हैं। जैसे हम यहाँ पे मसाज करना शुरू कर देते हैं वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और इसलिए वहाँ पे जो रेडनेस आता है, बट ये टेंशन की कोई बात नहीं। अब हम धीरे से थोड़ा स्कैपुला की इस वाली साइड पे जाएंगे। अब गाइस एक चीज का ध्यान रखिए, जब भी आप एल्बो का यूज करते हो मसाज के लिए तो कोशिश कीजिए आपका जो स्पाइन होता है उसके ऊपर बिल्कुल प्रेशर नहीं देना। आप चाहे तो उसके मार्किंग के लिए एक थंब यहाँ पे रखेंगे, फिर एल्बो यहाँ पे रखेंगे और थंब के ऊपर आपका हाथ रखेंगे, ताकि आपका जो स्पाइन है वो सेफ रहेगा, उसके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं आएगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है मसाज थेरेपी में कि हमें कभी भी किसी भी बोन के ऊपर डायरेक्टली प्रेशर अप्लाई नहीं करना। अब सेम चीज आप इस साइड से भी कीजिए, हाथ को ऊपर रखे अपने एल्बो के हेल्प से पूरा यहाँ का जो मसाल है उसको ऐसे अच्छे से रिलीज करना। अब इसका फाइनल स्ट्रोक लेंगे जो थोड़ा रिलैक्सिंग होगा। तो गाइज आई होप जो भी हमने मसाज थेरेपी का भी पूरा वीडियो देखा, जिसमें हमने देखा कि मसाज थेरेपी की हेल्प से कैसे हम हमारा अपर बैक का पेन कम कर सकते हैं, स्कैपुला के अराउंड जो भी पेन है उसको कम कर सकते हैं। तो गाइज जो भी मैंने आपको समझने की कोशिश की, जो भी स्टेप्स मैंने दिखाए वो आपको पूरी तरह से समझ में आए होंगे। अब हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में ऐसे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।